जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं विष्णु हॉल जो धुबरी में है, असम में। तो आज हम रिव्यू करेंगे सिम्बा जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। तो मैं रिजाउल, मैं अलीम इस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम लोग बिग बजट वाला फिल्म का रिव्यू करते रहेंगे आगे में भी। तो प्लीज़ प्लीज़ दिल से बोलते हैं भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे में भी हम जितने भी फिल्म का रिव्यू करेंगे अब तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो रिव्यू शुरू करें। थैंक यू। अभी हमारे साथ है भाई जान, आपका नाम बताएंगे? करीमुल हसन। करीमुल हसन। और आप मैडम? पब्लिक खान। तो आप दोनों मूवी देखे? हाँ। जो कि इस साल का लास्ट मूवी है। हाँ। तो रणबीर कपूर का काम कैसा रहा है इसमें? सभी अच्छा था, एक्शन, इसमें रोमांस नहीं था। रोमांस नहीं था? नहीं है। तो शाहरुख खान का मूवी देख लेते, आप रोमांस आ जाता है। ये बात ठीक है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? लास्ट में जो अजय देवगन जो स्टारिंग लास्ट में आया था, हाँ, ना वही अच्छा लगा सबसे ज्यादा। सिंगम अच्छा। आप इसको कितना रिव्यू देना चाहेंगे? आउट ऑफ 5 आप देना चाहेंगे? साल का एंडिंग का फिल्म है ना, तो 5 और 5 ही बहुत ही अच्छा लगा, सुपर है। इस साल का मतलब रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। ओ साल का लास्ट फिल्म है, बहुत अच्छे गए। मैं तो कहती हूँ कि रणबीर सिंह ने इस साल 2018 में पद्मावत से शुरू किया था और खत्म भी वही करेगा। सुपर। अच्छा अच्छा। और तो हमारे साथ है भाईजान, आपका नाम क्या है? आपको ये मूवी कैसी सिम्बा? जी बहुत अच्छा था। मैं लास्ट में आपका जो अजय देवगन होता है, खैर हो जो भी हो, आप इसको 5 में से कितना अंक देना चाहेंगे? 5 में से मैं इसको 4 अंक देना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा बोरिंग टाइप का लगा मूवी, मगर जब एक्शन होता है तो मज़ेदार इसमें जो कहानी है वो और भी ज़बरदस्त है। मतलब बीच का ही आपको बोरिंग बहुत ज़्यादा लगी है? नहीं जी जी। ओके थैंक यू। जैसे आप लोगों ने देखा, जब हम लोग ने रिव्यू किया जनता का, और जनता जैसे कि जनता जनार्दन है, आप लोग जानते ही हैं, इस फिल्म का क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जनता ही फैसला करेगी। अब मिलेंगे अगले मूवीज़ में। थैंक यू, शुक्रिया। और आप लोगों को नया साल का मुबारकबाद।